हेलो स्टूडेंट्स सो वेलकम अगेन आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट टू स्टार्ट कर रहे हैं तो uh, पहले वाले वीडियो में भी मैंने ये बात बताई थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम चार पार्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो थियरी पार्ट है दैट इज आईआईटी जी नीट और सीबीएसई की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थियरी पार्ट है इसमें इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट भी हमने लिए हुए हैं तो इसका जो इलेक्ट्रोस्टैट का हमारा जो चैनल स्टार्ट हुआ आई I मीन mean जो थियोरी पार्ट का चैनल स्टार्ट हुआ उसमें ये पार्ट टू है दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैट सेकेंड पार्ट ऑफ फोर्थ सो जो आज हम ट्रॉपिक कवर uh, करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकालेंगे नेक्स्ट सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे और सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पर न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी आते हैं कंपटिशन्स में नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स करेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में हम टोटल चार केस ले रहे हैं पहला ड्यू टू पॉइंट चार्ज सेकेंड ड्यू टू डाइपोल थर्ड ड्यू टू इक्वल एंड लाइक चार्जेस एंड फोर्थ ड्यू टू यूनिफॉर्म फील्ड नेक्स्ट हम जो स्टार्ट करेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अगला इलेक्ट्रिक डायपोल नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल नाइन्थ जो हम पॉइंट देखेंगे वो है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डॉट टॉर्क मीन्स जब इलेक्ट्रिक डायपोल को हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वहाँ पे टॉर्क आएगा तो एक चीज़ यहाँ नोट करना आप चाहो तो यहाँ पे नोट भी कर सकते हो कि जो हम यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे वो यूनिफॉर्म लेंगे और जो लास्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे वो है वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल ठीक है तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखो इसका आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो या आप ऐप अगर डाउनलोड करते हो कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स गूगल प्ले स्टोर या आईटोन पे अगर आप एप्पल यूज़र हो तो वहाँ पर आपको ये पी डी एफ मिल जाएगा और ऑल्सो आप अगर वेबसाइट विजिट करते हो डब्ल्यू 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 डॉट फिजिक्स इंडिया डॉट कॉम वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा तो अगर आप पॉज करके नोट करना चाह रहे हो नोट कर लो या अगर आप प्रिंट आउट लेना चाह रहे हो तो आप वहाँ से प्रिंट ले सकते हो तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा हमने पिछली चैप्टर में जो हमने पिछला पार्ट डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के पहले फोर्स की बातें डिस्कस की थी और चार्ज की बातें डिस्कस की थी और बार बार मैंने नोटिस में लाई ये बात कि इलेक्ट्रोस्टैट में मेनली तीन चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं एक इलेक्ट्रिक फोर्स दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड और तीसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इनके एडिशन में हम कैपेसिटेंस पढ़ेंगे एज अ डिवाइस तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वट इज इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम उसको डिफाइन करें तो देखो अगर कोई चार्ज है अस सपोज मेरे कोई भी एक पॉइंट पर या पोजीशन पर चार्ज है अगर मैं कोई दूसरा टेस्ट चार्ज लेके आऊं और वो टेस्ट चार्ज पे कोई भी फोर्स अप्लाई होने लगा याद रखना टेस्ट चार्ज लाना कंपलसरी है अगर आप टेस्ट चार्ज नहीं लाओगे तो आप किसी भी चार्ज का फील्ड नहीं निकाल सकते तो हम टेस्ट चार्ज यानी बहुत छोटा चार्ज अगर हम ले आते हैं ठीक है और उस पर फोर्स लगने लगता है इसका मतलब कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर उस एरिया में या उस स्पेस में प्रेजेंस है ठीक है तो अगर हम इसे थेरेटिकली डिस्कस करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड अप टू इंफिटी बट प्रैक्टिकली इट इज लिमिटेड टू सर्टेन डिस्टेंस जैसे अगर आप टेस्ट चार्ज को लाओगे तो इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब होता है कि जहाँ पर हमारे पास फोर्सेस जो लगे लग फोर्स का मतलब या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपल्स करेगा तो अगर हमारे पास कोई एफेक्ट नहीं क्रिएट कर रहा है हमारा चार्ज किसी टेस्ट चार्ज पे यानी वो डिस्टेंस हम इन्फिनिटी मान लेते हैं और वहां पर हम फील्ड क्या ले लेते हैं ज़ीरो ले लेते हैं और जैसे जैसे हम टुवर्ड्स चार्ज लाएंगे तो आप कहीं ना कहीं आपको पता है कि कहीं ना कहीं एक फोर्स एग्जर्ट करने लगेगा और जहां से फोर्स एग्जर्ट करेगा वहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होगा तो ये पहला जो इसमें सब पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि ये डेरिवेशन है हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करते हैं अच्छा यहाँ पर आप एक चीज़ और नोट कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है यानी मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है ठीक है अगर पॉजिटिव साइड है पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज डायरेक्शन होता है और नेगेटिव है तो टूवर्ड्स दी होता है तो यहाँ पर देखिए हम एक सिंपल एक फॉर्मूला निकाले हैं डिराइव किए हैं तो जनरली फील्ड को हम अगर डिफाइन करना चाहें तो हम मैथ के यूज से भी डिफाइन कर सकते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट दैट इज फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट चार्ज या पर यूनिट टेस्ट चार्ज तो देखिए अगर मैंने एक टेस्ट चार्ज लिया लेट सपोज क्यू नॉट उसे मैं क्यू के फील्ड में ले आया तो एक फोर्स लगेगा के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर लेकिन इस फोर्स का क्यू नॉट से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी और जिसकी वैल्यू होगी वन बाय फोर पैप नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर यहाँ एक चीज नोट करने की बात है कि फील्ड सिर्फ एक ही चार्ज का है देखिए जो टेस्ट चार्ज है उसका कोई लेना देना फील्ड के अंदर नहीं है वो तो बस यहाँ पर उसको स्ट्रेंथ नापने के लिए मेजर करने के लिए आया था ठीक है तो वेक्टर क्वांटिटी है इससे पहले वाले लेसन में हमने वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देखा था यहां भी आप देखिए यहां पर आर कैप दैट इज आर यूनिट वेक्टर लाएंगे क्यों क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर डिपेंड कर रहा है आर पर ठीक है चार्ज हमारा स्केलर क्वांटिटी है तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट हमारा नोट देखो ये कहीं भी मैं अगर नोट की बात करूं कहीं भी अगर मैं नोट डिस्कस करता हूं ये कहीं ना कहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं तो इसे तो एटलीस्ट आपको नोट करना ही करना है ठीक है तो नोट पहला आपका बोल रहा है कि अगर मैं क्यू नॉट को क्यू नॉट कौन सा टेस्ट चार्ज ठीक है साथ चलना माइंड में लेके जितनी बातें हो रही है, सारा माइंड में लेके चलना है थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ये क्योंकि हम टेन टॉपिक इसमें कवर करेंगे बट स्टिल हर चीज आप नोट करते हुए चलो तो अगर हम क्यू नॉट यानी टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लिए हैं तो डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का तो डायरेक्शन होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स जिधर फोर्स लग रहा है उसके डायरेक्शन के अलोंग उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा यानी कि यानी यहां से क्या पता चल रहा है यहां से यह पता चल रहा है कि फोर्स सेंट्रल क्वांटिटी है सेंट्रल फोर्स होता है तो जिधर सिपरेशन है और जिधर फोर्स का डायरेक्शन है उसी के डायरेक्शन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा सेकेंड पॉइंट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो वो अपोजिट होगा वहां पर देखो पॉजिटिव की बात थी अलोंग था यहाँ अपोजिट है अगर नेगेटिवली चार्ज की बात करें तो थर्ड पॉइंट अगर हम देखें जो हमने पहले भी अभी बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी, भी होता है थेके? और डायरेक्शन भी होता है ठीक है और ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें तो ऐसा SI यूनिट होता है न्यूटन पर कुलम क्योंकि पीछे हमने फॉर्मूला देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट एफ का हमें ऐसा यूनिट न्यूटन पता है क्यू का ऐसा यूनिट कुलम पता है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऐसा SI यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन पर कुलम नेक्स्ट जो हमारा डेरिवेशन पार्ट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो आप यहाँ पर पॉज करके देख सकते हो ठीक है कि कैसे हम इसको डिराइव करते हैं सबसे पहला स्टेप होता है फोर्स निकालना आप देखो यहाँ पर फोर्स निकला हुआ है ये जो और में आर क्यूब आ रहा है मैंने पहले भी स्लाइड में डिस्कस किया था कि आर क्यूब यहाँ पर कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं रखता है अभी भी ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है ये तो बस एक वेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं तो आर क्यूब आ जाता है और कोई उसमें एडिशनल uh, कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है तो हमने फोर्स निकाल लिया उसके बाद हमने फील्ड निकालने के लिए जो q नॉट वैल्यू थी दैट इज जो टेस्ट चार्ज था उसको हमने डिवाइड कर दिया देखिए बॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर q जो आपका चार्ज है जिसका फील्ड निकालने जा रहे हो ये जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव होगा तो जो फील्ड है वो क्या होगा बाहर की तरफ यानी अवे फ्रॉम दी चार्ज डायरेक्ट होगा और अगर Q लेस देन जीरो होगा इसका मतलब अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो जो फील्ड है वो रेडली इन्वर्ट होगा ठीक है और ये एक इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट होता है ये जो ग्राफ है आपका ये बहुत इम्पोर्टेंट होता, होता है यहाँ पे देखिए ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है ठीक है नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट का मतलब आपको पता है जब भी हम वेक्टर की बात करते हैं तो जनरली वेक्टर को हम थ्री कोऑर्डिनेट में डिफाइन कर सकते हैं कि लेट अस सपोज आई हैव पॉइंट विच कैन बी रिटर्न एज ए वन आई प्लस बी वन जे या एक्स आई प्लस वाई जे ऑफ आई होता है वाई कोफिशियंट ऑफ जे होता है और जेड कोफिसियंट ऑफ के होता है तो यहाँ पर भी हम ई e को इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कोऑर्डिनेट में डिफाइन कर सकते हैं और उसका फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू ई एज अ फंक्शन ऑफ r इज इक्वल टू वन बाई फोर पाई एफ सैल नॉट क्यू डिवाइडेड बाई थ्री बाई टू यानी कि ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर थ्री बाई टू और इधर पे हमारा है ही है यूनिट वेक्टर का जो है एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जी के कैप नेक्स्ट की हम बात करते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की तो देखो सुपर पोजिशन नाम ही बता रहा है सुपर यानी कि कोई एक बड़ा हो जाता है या कोई एक मेन हो जाता है लीड रोल हो जाता है पोजिशन का मतलब उसका पोजिशन को लीड रोल कर देना तो सुपर पोजिशन फोर्स में भी लगता है अप्लाई होता है याद रखना ये और यहां पर भी अप्लाई होता है इन सुपर पोजिशन हम क्या कहते हैं कोई भी एक चार्ज को बेस मान लेते हैं या उसको एक सुपर पोजिशन मान लेते हैं उसी से सारे फील्ड को यानी वह जो सिपरेशन की हम बात करेंगे फील्ड निकालते समय तो सारी सिपरेशन उसी के स्टैंडर्ड में लेते हुए करते हैं जैसे आप देखो आप इधर अगर फिगर आप देखो इसमें आपके पास डेढ़ सारे चार्जेस हैं ठीक है देखिए आपके पास Q1 भी है Q2 भी है Q3, Q4, Q5 डिफरेंट मैग्नीट्यूड ओरियंट आप देखो एक जगह पॉजिटिव है एक जगह नेगेटिव है एंड सो ऑन तो आप यहां पर Q1 को अगर हम सुपर पोजिशन करें तो टोटल तो जो फोर्स होगा आप देखो वन सब में कॉमन है देखिए F1 वन इज कॉल टू एफ वन टू यानी वन ऑन टू एफ वन थ्री यानी कि वन ऑन थ्री या थ्री ऑन वन कह सकते हैं एफ वन फोर फोर एग्जिंग ऑन वन और एफ वन फाइव आप देखो वन सब में कॉमन है बस बाकी जो चार्जेस हैं वो चेंज हो रहे हैं क्यों क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज ए वन है उसे हम सुपर पोजिशन माने हैं ठीक है तो यहाँ से हम इसको समेशन में भी लिख सकते हैं आपके पास देखिए यहाँ पे सारा फॉर्मूला है और ये हम वेक्टर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम बार बार नोटिस में ला रहे हैं कि क्यूब यहाँ पर कुछ भी सिग्निफाई नहीं करता है ये सारी क्वांटिटी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है यहाँ पर सिर्फ ये क्यूब ये बताता है कि वेक्टर का चेंज हुआ है या ट्रांस आई मीन वन फॉर्म टू अनदर हमने ट्रांसफर किया है ठीक है तो नेक्स्ट अगर हम टॉपिक पे चलते हैं नोट फिर देखो इंपॉर्टेंट आ गया नोट तो लिखना ही लिखना है हंड्रेड परसेंट लिखना है इसको तो क्या लिखा हुआ है पहला ही नोट आप देखो कि जो इंट्रैक्शन होगा चार्जेस का ठीक है वो जो दूसरे चार्ज से ही हम क्या करेंगे स्टडी करें कहने का मतलब इसे और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि जब तक आप कोई पॉइंट चार्ज नहीं लाओगे तब तक आप किसी चार्ज की बात या किसी फील्ड का आप डिस्कशन नहीं कर सकते हो और फील्ड की अगर हम बात करें तो एक्चुअल में यहाँ पे फील्ड चार्ज की वजह से है तो यहाँ सारी बातें चार्ज के इंट्रैक्शन की होती हैं अगला अगर हम यहाँ पे पॉइंट देखें तो अगला देखिए चार्ज जिस पर इन्फ्लुएंस कर रहा है यानी कि अगर ढेर सारे चार्ज हैं तो जिस चार्ज पे दूसरा चार्ज इन्फ्लुएंस कर रहा है ठीक है उसे हम एज्यूम करते हैं उसे एक नाम दे देते हैं कि वो फ्लोटिंग चार्ज है ठीक है और बाकी सारा क्या होता है रिजिडिटी फिक्स्ड होते हैं बाकी फिक्स होते हैं देखो अब आप कहोगे कि ये फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है तो फ्लोटिंग का मतलब देखो फ्लोटिंग का शब्द का मतलब ही यही है कि यहाँ से वहाँ मूव करना तो अगर आप किसी भी फील्ड का वेरिएशन देखना चाह रहे हो तो पक्का वहां पर कोई ना कोई चार्ज जिसको लेके आप दूसरे चार्ज की वैल्यू फील्ड की निकाल ले हो उसको आप मूव करना पड़ेगा उसी मूविंग को यहाँ पर फ्लोटिंग वर्ड दिया गया है ठीक है जैसे एक एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया यहाँ पे देखिए कि हमारे पास अगर एक चार्ज है जो फ्लोटिंग फ्लोटिंग मतलब जो फिक्स नहीं है बाकी फिक्स है और वो उसे रिपेल किया जा रहा है क्यू टू चार्ज से और क्यू फोर भी उसे रिपेल कर रहा है और क्यू थ्री क्यू फाइव उसे क्या कर रहा है अट्रैक्ट कर रहा है तो ऐसे केस में हम सारा जो इंट्रैक्शन लिया आप देखो एक को लेकर चलें और वो एक कौन है सुपर पोजिशन वाला ठीक है यानी कि अब देखो आ, टू थ्री टू फोर टू फाइव थ्री बी फोर पे लगा रहा होगा थ्री वी फाइव पे लगा रहा होगा फोर वी फाइव पे लगा रहा होगा बट उसको हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि बाकी चार्जेस को हमने रिजिड फिक्स कर दिया एक जगह ठीक है एक को ही हमने सुपर पोजिशन लिया था ठीक अच्छा, है अच्छा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से याद रखना एक बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं बट मैग्नेटिक फील्ड को हम लाइन ऑफ फोर्स नहीं बोल सकते हैं उसका रीजन हम आगे डिस्कस करेंगे एनीवेज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स की अगर हम बात करें तो आप देखो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो अपने आप में एक डायरेक्शनल सिंबल है वो डायरेक्शन बताता है कर्व्ड लाइन है तो टेंजेंट उसका डायरेक्शन बनाएगा स्ट्रेट है तो स्ट्रेट का आपको पता है टेंजेंट वही लाइन हो जाती है वो भी उसका क्या बताता है डायरेक्शन बताता है ठीक है यहाँ पे देखो जो रेड कलर से लिखा हुआ ये इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट फिजिकली एग्जिस्ट बट दे रिप्रेजेंट रियल सिचुएशन यानी फिजिकली देखो फिजिक्स में आपको पता है कि ये वो ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम हर चीज़ें वही पढ़ते हैं जिसे हम देख सकते हैं जिसे हम समझ सकते हैं जिसे हम टच कर सकते हैं यानी जिसे का हम फिजिकल नेचर की बात हम कर सकते हैं तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है कि क्या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स फिजिकल एग्जिजिकली एग्जिस्ट करता है तो आंसर इज नो ठीक है नेक्स्ट देखिए ये मेरे पास डिफरेंट फिगर्स बने हुए हैं जो आपका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जब हम पॉजिटिव पॉजिटिव पहला फिगर देखो चार्ज लेंगे तो देखो सभी बाहर की तरफ है ध्यान दो और एक चीज और सभी डायरेक्शन में है ये नहीं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ठीक है।, है अब देखो ये सारे क्या हैं आउटर आउटर की तरफ है यानी कि अगर आपको ये नहीं भी दिया होता क्यू इज ग्रेटर देन जीरो तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि सिंस यहाँ पर जो फील्ड है वो बाहर की तरफ जा रहा है तो चार्ज पक्का यहाँ पॉजिटिव चार्ज है अगला केस देखो सारे जो एरोमार्क है वो किधर है चार्ज की तरफ है इसे इनवर्ड बोलते हैं ऑब्वियस सी बात है ये नेगेटिव चार्ज है दैट इज क्यू लेस देन जीरो ठीक है तो इस तरीके से देखो नीचे इसलिए मैंने बना दिया यहां पहले में तो q ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ है अगर नहीं दिया हो तो हम वैसे भी बता सकते हैं अगर बाहर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज होगा अंदर की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज होगा अगला देखो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू पेयर ऑफ इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस यहां देखो Q और माइनस Q आप ध्यान दो एक जगह हमने जो पेयर लिया वो अपोजिट चार्जेस का लिया और एक जगह हम सेम चार्जेस का लिए यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है नल का वो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो थेरेटिकल में भी और कॉन्सेप्चुअल में भी तो पहला केस ले लेते हैं जो पॉइंट टू के अंदर है जब हम अपोजिट चार्जेस को लेते हैं आप देखो दोनों चार्जेस के बीच में आप देखो लाइन ऑफ फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है चेक करो डेंसिटी वहाँ पर या लाइन का जो क्लोजनेस है वो बहुत ज़्यादा है और जितना क्लोज लाइन होता है उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वहाँ पर वहाँ पे ज़्यादा होता है ठीक है यानी कि क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्टली हमें क्या रिफ्लेक्ट देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत हाई होता है तो जो अपोजिट चार्ज हम लेते हैं पेयर का तो उसके जो मिडिल मिड जो बिटवीन वाला जो स्पेस है उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हाई होता है सेकेंड वाला केस देखो थर्ड वाला पॉइंट में देखो यहाँ सेम चार्ज है ये माइनस माइनस भी हो सकता है प्लस प्लस भी हो सकता है यहाँ एग्जाम्पल हमने प्लस प्लस का लिया तो अब देखो साइडो में तो लाइन ज्यादा है बट बिटवीन अगर दोनों चार्ज के देखें तो लाइन बिल्कुल भी नहीं है लाइन बिल्कुल भी नहीं का मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने का मतलब नल पॉइंट होता है ठीक है यहां पर एक केस आप याद रखना कि नल पॉइंट क्या शिफ्ट हो सकता है तो आंसर इज़ यस नल पॉइंट शिफ्ट भी होता है जिद अगर मैं ये पहले वाला जो चार्ज है हमारे पास ये आपके पास जो यहाँ पर जो चार्ज है ये इसको अगर हम मैग्नीट्यूड डबल कर दें तो ये जो नल पॉइंट है ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ये छोटे वाले चार्ज की तरफ शिफ्ट हो जाएगा अगर इसे टू क्यू कर दें और इसे क्यू कर दें तो नल पॉइंट बीच में नहीं होगा टूवर्ड्स स्मॉलर चार्ज ये शिफ्ट हो जाता है ये नोट कर लेना ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे अगला है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू यूनिफॉर्म फील्ड तो देखिए यूनिफॉर्म का मतलब है कोई वेरिएशन नहीं यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट ले लिया यहाँ एक नेगेटिव चार्ज प्लेट ले लिया देखिए यूनिफॉर्म चार्ज हमारे पास यूनिफॉर्म फील्ड है यहां पर डायरेक्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज ठीक है अच्छा अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसके क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में भी बहुत पूछे जाते हैं और नीट में बहुत ज़्यादा प्रिफर करते हैं इसे आईआईटी में तो चलो एक आध दो बार ही ले आते हैं क्वेश्चंस को बट नीट में क्वेश्चंस uh, आते हैं और मैच दी फॉलोइंग या एसर्सन रीजनिंग टाइप में भी ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो पहला देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है इमेजनरी लाइन अभी बोला जब वो, वो फिजिकली uh, एग्जिस्ट करते ही नहीं है तो हम उसे इमेजनरी ही बोलते हैं ठीक है सेकेंड यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड टेंस टू फॉलो अ पाथ अलोंग द फील्ड लाइन इफ इट इज फ्री टू डू जो अभी डिस्कस किया था कि अगर चार्ज पॉजिटिव uh, uh, है दैट इज जीरो से बड़ा है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर की तरफ होगा वो अलोंग द फील्ड लाइन उसका पाथ शो करेगा थर्ड है कि अगर आपका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनता है पॉजिटिव चार्ज से ठीक है तो वो कहां पे जाके एंड हो जाएगा नेगेटिव चार्ज पे तो यहां कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो निकल तो रहा है पॉजिटिव से ठीक है और एंड हो रहा है नेगेटिव से इसका मतलब सीधा याद रखना क्लोज लूप नहीं फॉर्म कर सकता है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर सकता है बिकॉज पॉजिटिव से ये निकल रहा है नेगेटिव की तरफ जा रहा है अगर ये नेगेटिव से भी उल्टा आ जाता तब ये क्लोज लूप फॉलो करता बनाता लेकिन ऐसा नहीं है सारे एक ही डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल डायरेक्शनल हैं तो ये क्लोज लूप बनाता नहीं है फोर्थ देखो टेंजेंट अगर हम किसी भी ये देखो कर्व्ड स्ट्रेट का टेंजेंट उधर ही आ जाता है सेम कर्व्ड का जो टेंजेंट है आप देखो टेंजेंट अगर आप किसी कर्व फील्ड लाइन पे अगर आप निकालते हो तो वो टेंजेंट डायरेक्शन बताता है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां पर एक चीज नोट करना है कि एक सिस्टम के अंदर एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक से ज्यादा डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है क्यों नहीं पॉसिबल है ये हम अगले पॉइंट में डिस्कस करें देखो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते हैं बहुत अच्छा पॉइंट है क्यों नहीं क्रॉस कर सकते हैं बेटा अगर दो लाइन को आपस में क्रॉस किया यानी उस पॉइंट पे कितने फील्ड डायरेक्शन आ गए दो क्योंकि दो टेंजेंट बन जाएंगे और अभी मैंने बताया एक सिस्टम के अंदर एक ही फील्ड डायरेक्शन पॉसिबल है ठीक है क्लियर हो रहा है इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्रॉस नहीं करते हैं और एक चीज़ यहाँ पर आप नोट कर सकते हो कि किसी भी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है वो नॉर्मल ही निकलती है नॉर्मल निकलेगी बाद में बेशक वो बेंड हो जाए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बट नॉर्मल नॉर्मल मतलब पैरेलल ठीक है तो सरफेस से तो नॉर्मल निकलती है क्यों ताकि आगे इंटरसेक्शन का जो चांसेस है वो खत्म हो जाए नेगलिजिबल हो जाए क्योंकि इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता है इज इट क्लियर अगले पॉइंट पे चलते हैं जितना ज़्यादा ये भी अभी इस पिछले में हमने डिस्कस किया था जितना ज़्यादा क्लोज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा इसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वहाँ पे स्ट्रांग है ठीक है और जहाँ पर स्पेस ज़्यादा होता है देखिए यहाँ वाले फिगर में यहाँ देखिए सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये बहुत क्लोज है यानी इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है यहाँ पर इलेक्ट्रिक दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में देखो गैप है यानी कि इन दोनों में किसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा सेवेंथ देखिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और परपेंडिकुलर जो अभी बताया सरफेस से कैसा निकलते हैं परपेंडिकुलर निकलते हैं ये क्रॉस देखो ये पॉसिबल नहीं है देखो ये ऐसे चला ये देखो हल्का सा इंक्लाइंट है जबकि नब्बे डिग्री होना चाहिए और ये नब्बे डिग्री नहीं होने की वजह से देखो अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ और इस वाले को आगे बढ़ाऊँ यहाँ इंटरसेप्ट कर जाएगा जो पॉसिबल नहीं है तो हमेशा याद रखना कि नॉर्मल निकलता है देखो ये वाला पॉसिबल है या ये करेक्ट है क्योंकि सीधा लेकिन ये वाले सीधा ऑलमोस्ट तो नहीं देखो ये सीधा नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है ठीक है एर्थ पॉइंट अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है वो लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है ठीक है और ये अट्रैक्शन दिखाता है यानी कि अगर लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट आप देखो पिछले फिगर में आपने देखा था यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था आप देखो ऐसे और ऐसे हो जा रहा था एक बार मैं बैक ले जाता हूं दिखाने के लिए जरूरी है ये देखिए पॉजिटिव नेगेटिव था तो सारा किधर की तरफ है इधर की तरफ आ गया ना ठीक है यानी लेंथ के अलोंग जाने की कोशिश कर रहा है तो लेंथ के अलोंग अगर कहीं फील्ड लाइन आपको दिख रहा है कॉन्ट्रैक्ट करता हुआ यानी पक्का वो अनलाइक चार्जेस का फील्ड लाइन है और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ आ रहा है प्रेशर निकाल रहा है तो वो लाइक like चार्जेस है बाहर की तरफ का मतलब फिर से बैक करो ये देखो यहां पर बीच में तो है ही नहीं लेंथवाइज ये देखो सारे आउटर जा रहे हैं बाहर की तरफ तो ये का मतलब इसका मतलब क्या होता है कि दोनों सेम टाइप ऑफ चार्जेस है ठीक है नेक्स्ट टेंथ पॉइंट देखो नंबर ऑफ जो लाइन है ठीक है ये नंबर की जब भी बात करेंगे आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है फ्लक्स का वहाँ के लिए बहुत यूज होता है कॉन्सेप्ट तो यहाँ देख लो इसको कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस करती है याद रखना परपेंडिकुलरली अगर वो क्रॉस करती है ठीक है तो वो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन ठीक है यानी इंटेंसिटी का अगर हम यहाँ फॉर्मूला निकालें तो वो हो जाएगा रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर एरिया जितना ज्यादा फील्ड लाइन जितने कम एरिया से निकलेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रिमेम्बर इट ठीक है अलेवंथ पॉइंट देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फोर्सेस डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर हेंस द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज फ्री देन इन्फ्लुएंस फ्रॉम द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके बारे में अगर हम और ज़्यादा डिस्कस करें तो देखो आगे हम देखेंगे गॉस थ्योरम है गॉस थ्योरम कहता है इनक्लोज सरफेस में चार्ज नहीं होता है अब जब इनक्लोज सरफेस में चार्ज होता ही नहीं है तो ऑब्वियस ये बात है वहाँ फील्ड होगा ही नहीं इसीलिए आपने देखा होगा जब भी लाइटनिंग होता है याद रखना ये ट्वेल्थ में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी है अगर जैसे 2015 में पूछा था मिस्टर पाठक वाला क्वेश्चन याद आ गया होगा जो ड्रॉपर बैच है उन्हें याद होगा कि पाठक वाले क्वेश्चन में क्या था देखो अगर कहीं थंडर स्टॉम चल रहा है यानी बारिश का महीना है बिजली आपका जो थंडर स्टॉम है स्ट्राइक कर रहा है तो क्या सेफ होगा गाड़ी के अंदर बैठना या कहीं बाहर निकल जाना आंसर इज अंदर बैठना सेफ होगा क्यों गाड़ी एक क्लोज्ड लूप है एक हॉलो वो है सेटअप है और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है सॉरी इलेक्ट्रिक जो चार्जेस आ रहे हैं शेड हो रहे हैं वो बाहर बाहर से निकल जाएंगे क्योंकि अंदर तो चार्ज है ही नहीं सकता और चार्ज होगा नहीं तो फील्ड नहीं होगा इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी बोलते हैं ठीक है आपको कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है कि आपका कोई चार्ज उस पर कोई दूसरा चार्ज इफेक्ट ना कर पाए तो उसे हॉलो के अंदर रख दो क्योंकि अंदर नो फील्ड होता है तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ पर वो आइसोलेट हो जाएगा ठीक है और इलेक्ट्रिक लाइन ये भी इंपॉर्टेंट है ये मैच डे कॉलम में पूछा भी था क्वेश्चन नीट में कि क्या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास इंसुलेटर आंसर इज यस yes, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन पास थ्रो इंसुलेटर अगला पॉइंट है हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल ठीक है व्हाट डू यू मीन इलेक्ट्रिक डायपोल तो देखो डाइपोल कहीं भी आता है डाइपोल का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सेम और अपोजिट नेचर याद रखना मैग्नीट्यूड वाइज सेम होना चाहिए और अपोजिट नेचर के होने चाहिए टू ए डिस्टेंस पे ये भी क्वेश्चन आता है टू ए या टू एल ही क्यों क्योंकि देखो डाइपोल क्या है ऐसा सेटअप है जो ये रोटेट करने की कोशिश करता है और रोटेट करेगा तो हमारे पास किसी भी एक लाइन ज्वाइनिंग से अगर हम रोटेशन निकालें सेंटर निकालना पड़ेगा अब सिंस मैग्नीट्यूड से मैं तो सेंटर बीच में ही आएगा तो हमारा कैलकुलेशन बाद में टिपिकल ना हो यानी ए लेते तो ए बाई टू ए बाई टू ना हो क्योंकि रोटेशन में वो आर ही लिया जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन एंड वेयर फोर्सेज अप्लाई तो उसका कैलकुलेशन हमारा थोड़ा सा ईजी हो जाए इसीलिए हम टू ए या टूवेल्व ले लेते हैं ये याद रखना और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है टूएल्व का एक और बात आइडियल डाइपोल की अगर हम बात करेंगे तो जितना ज़्यादा सेपरेशन कम होता है उतना ज़्यादा वो डाइपोल आइडियल की तरफ बढ़ता है यानी उसको हम आइडियल कहते थे अगर आइडियल डाइपोल होना है तो चार्जेस की मैग्नीट्यूड बढ़ा दो और सेपरेशन घटा दो तो यहाँ देखो आप इलेक्ट्रिक जो डायपोल है उसके बारे में हमने बात कर लिया यहां पर मेन है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और मैथमेटिकली इसे हम एक्सप्रेस करते हैं पी इज इक्वल टू क्यू इंटू में टू ए या क्यू इंटू में टू एल ठीक है और एक चीज जो यहाँ नोट करना देखिए रेड बटन रेड से जो है वो ये है कि डाइपोल उल्टा चलता है नेगेटिव टू पॉजिटिव चलता है हम हमेशा क्या देखते हैं कोई भी चीज़ पॉजिटिव से नेगेटिव बढ़ता है बट डाइपोल का जो डायरेक्शन है रोटेशन का वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है ठीक है अगला देखिए ये डेरिवेशन पार्ट है इसको आप रोक के आ, हम एक्सप्लेन करेंगे हम ट्राई करेंगे सारे डेरिवेशन एक बार में आ, जो वो सिस्टम है जिसमें हम डिजिटल पेन का यूज करते हैं उससे हम और ज्यादा इसको समझाएंगे बाकी मैं यहां पे आपको एक बार डिस्कस कर देता हूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का दो पॉइंट निकालने को आता है एक तो पॉइंट और एक होता है इक्टोरियल पॉइंट एक्सीएल होता है सिपरेशन के अलांग कोई भी पॉइंट ले ले तो ये आपको दिख रहा होगा एक चार्ज माइनस क्यू एक चार्ज प्लस क्यू ये हमने पॉइंट चार्ज ले लिया किसके अलांग है सिपरेशन के अलाग है ना देखो तो ये सारे एक्सीएल पॉइंट ऐसा नहीं यही लगाना है आप इस साइड भी एक्सटेंड करके यहाँ भी लगा सकते हो ठीक है इज इट क्लियर तो यहां पर देखो आ, माना कि जो सेंटर से याद रखना डाइपोल का सारे कैलकुलेशन सेंटर से होंगे सेंटर से ये जो पॉइंट चार्ज है इसका जो प्रेशन हो वो एक्स हो ठीक अब हम जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने तो यहां देखो नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स होगा ये देखिए और पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा ये देखिए ई e, बी तो अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर है या वेक्टर है वेक्टर है यस तो वेक्टर में आपको मालूम होगा वेक्टर का अगर 180 डिग्री यानी अपोजिट डायरेक्शन वेक्टर है तो रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है माइनस किया जाता है ठीक है किस में से कौन माइनस होता है तो बड़े में से छोटा माइनस होता है यहां पर पास कौन है बी है तो बड़ा कौन है ई e, बी दूर कौन है माइनस क्यू है तो छोटा कौन है ई ए तो हम नेट निकालने के लिए क्या किए ई बी माइनस ई ए ई बी माइनस ई ए देखो अब क्या हुआ ई ए का फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर आर की जगह हमारा देखो ये तो हमारा एक्स था ही था ये हमारा एक्स था ठीक है उसमें से अगर मैं ये एल निकाल दूं तो देखो ये पीला वाला पोर्शन आ गया ना ठीक है तो वही है ये अगर हम ई e, बी निकालते हैं तो वन बाई फोर पैप्स एल एनॉट क्यू बाई एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर और अगर हम ई e, ए निकालते हैं तो ई e, यानी P और A e के बीच का डिस्टेंस देखो ये O तक तो x था और उसके आगे L था तो x प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा अब इस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करो तो ई e, पी आ जाएगा वन बाय फोर पैप्स एल एनोट ब्रैकेट में क्यू बाय एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस क्यू बाई एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर यहाँ से आपके पास जब आप इसे एलसीएम लेके करोगे आप साथ में सॉल्व कर सकते हो ठीक है तो जो फॉर्मूला बन के आएगा वो आ जाएगा टू क्यू डॉट टू एल एक्स और ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे देखो टू टू से ये फोर चला गया ठीक और मेरे पास एक वैल्यू आ गई यहाँ पे तो यहाँ पर ई फील्ड आ जाएगा वन बाई फोर बाय आप नॉट टू पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर ठीक है और यहाँ पर हम केस बना लेते हैं आइडियल का तो आइडियल का मालूम होगा आपको आइडियल तब होगा जब ये एल बहुत छोटा हो एल बहुत छोटा हो तो फिजिक्स में आपको पता होगा कि जब छोटी वैल्यू होती है तो उसे हम क्या करते हैं नेगलेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर देखो एल हटा दिए तो ये एक्स स्क्वायर स्क्वायर हो गया ठीक है और ऊपर भी एक्स है तो एक्स से एक्स फोर जाएगा तो क्या बच जाएगा एक्स क्यू तो आंसर हो जाएगा आइडियल डाइपोल का टू पी बाई फोर पाइफ एल है नॉट एक्स क्यू पी क्या है तो पी क्यू इन टू एल है ये देखिए अभी हमने पीछे पढ़ा था ठीक है और यहाँ पर आप देखो जो नेट डायरेक्शन होगा सिंस हमारा बड़े माने इसको ई बी को बड़ा माना इसको छोटा माना और हमारा रिजल्ट भी पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब डायरेक्शन भी ई बी के टू होगा जिधर ई बी का डायरेक्शन होगा ठीक है तो नेक्स्ट चलते हैं हम इक्टोरियल लाइन पे तो इक्विटोरियल लाइन जरा आप देखो इक्विटोरियल पॉइंट क्या होता है एक्सीएल क्लियर है ना एक्सीएल में क्या है अलॉन्ग इक्वटोरियल देखो वो पॉइंट होता है जो सेंटर से एक डिस्टेंस पे हो सच दैट ये वाला डिस्टेंस बराबर ये वाला डिस्टेंस यानी एक क्यू और क्यू बी सेम हो जाएगा तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा और ये जो लाइन है ये मिड पॉइंट को आधे से डिवाइड करती है यानी ये एल हो गया ये एल हो गया ठीक अब यहाँ पर हमें रिजोल्यूशन लेना पड़ेगा वेक्टर्स का क्योंकि एंगुलर है अब देखो इस पॉइंट पर फिर वही बात पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ नेगेटिव है तो अंदर की तरफ इसका देखो दो कंपोनेंट बनेगा दिस एंड दिस इसका भी दो कंपोनेंट बनेगा दिस एंड दिस ये और ये वाला कैंसिल हो जाएगा क्यों क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है ठीक है और जो डिस्टेंस है वो भी सेम है तो ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाए बस बीच में बच जाएगा क्या बच जाएगा एक तो ई बी कॉस थीटा बच जाएगा और एक ये कॉस थीटा बच जाएगा यानी नेट फील्ड क्या हो जाएगा ई ये कॉस थीटा प्लस ई बी ये ई बी साइन थीटा और ये साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो यहाँ पर आप देखो अब हमारा टारगेट है ई बी निकालना तो ई बी के क्यू बाई फोर पाई नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर तो देखो ये एल है ये वाई है पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट यहाँ पर रूट भी है ठीक है तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर तो वो रूट कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सिमिलरली आप ई भी निकाल सकते हो दोनों को आप जोड़ोगे ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि ई भी कॉमन कर आप थीटा कॉमन कर लो ई बी प्लस ये हो गया और थीटा की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लो देखो कॉस्थीटा हो जाएगा बेस बाई बेस हो गया ओ ए डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस यहां से जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो ये देखिए आपके पास आ गया और Q इंटू टू एल्व क्या होता है P होता है ठीक फिर वही केस आइडियल के लिए L क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा इसे कैंसिल कर देंगे कैंसिल करेंगे तो एक्स स्क्वायर से कट गया P बाय एक्स क्यूब बच गया के पी बाय एक्स क्यूब ये देखिए ठीक अब एक चीज आप नोटिस किए यहां पर तो आया K K मतलब वन बाय फोर पर एफ सान नॉट ये K होता है नाइन इंटू टेन पर नाइन तो इसे हम K लिख सकते हैं के पी बाय वाई क्यूब और उस वाले में देखिए क्या आया था के पी टू के पी वाई के समझ में आ रहा है ना ये टू के पी वाई एक्स क्यू यानी क्या समझ में आया ये समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पे आधा होता है जितना एक्सीएल पे होता है तो इससे एक बात और समझ में आई क्या आई बताओ सोचो पॉज करके आप सोचो तो मैं आंसर दे देता हूं बाकी आप इसे मैच करो जो आपने सोचा है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह पता चला कि अलोंग में फील्ड इंक्रीज हो रहा है और अराउंड में फील्ड डिक्रीज हो रहा है इज इट क्लियर अब यहां से आपके पास कुछ पॉइंट्स है जो आप नोट कर सकते हो वही जो अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया ठीक है तो अगले पे चलते हैं अगला है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखिए जब भी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक मैंने पस, पहले स्लाइड में भी बताया था यूनिफॉर्म ही है सिर्फ सिलेबस में यूनिफॉर्म ही हम देखेंगे तो हमारा कोई भी जब डाइपोल है उसे हम जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर वो एक फोर्स एग्जर्ट करेगा और उस फोर्स की वजह से क्या करेगा रोटेट होने की कोशिश करेगा और जो फोर्स किसी बॉडी को रोटेट कर दे उसे क्या बोलते हैं टॉर्क बोलते हैं यस और यही हमारा टॉपिक है कि टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है तो स्टार्ट करते हैं कैसे ये देखो ये मेरे पास डायपोल है ये वाला हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया क्या हो गया 2l साइन थीटा अब टॉर्क का फार्मूला याद है r क्रॉस f होता है यहां पर फोर्स किसकी वजह से लग रहा है तो फोर्स का फार्मूला याद है e f q0 तो एफ क्या हो जाएगा क्यू ई हो जाएगा ना वही है ये देखिए टॉर्क हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह क्यू ई परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह टूएल साइन थीटा लेकिन क्यू इंटू टूएल क्या होता है पी होता है तो ये हो जाएगा पी ई e साइन थीटा या पी क्रॉस ई तो ये हो गया हमारा डेरिवेशन टॉर्क का और डायरेक्शन ऑफ टॉर्क आपको पता होगा परपेंडिकुलर होता है ठीक है एलेवंथ में आपने टॉर्क को अच्छे से पढ़ा होगा आई होप होप कर रहा हूँ अगर आप नहीं पढ़े हो तो हम जब एलेवेंथ वाले टॉर्क रोटेशन चैप्टर को अपलोड करूँगा वहाँ पे हम इसे और ज़्यादा अच्छे से देख लेंगे ऐसा यूनिट टॉर्क का होता है न्यूटन मीटर यहाँ देखिए कुछ केस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसे आप नोट कर लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत आता है क्वलीब्रियम केसेस कब हमारा डाइपोली कुलिब्रियम में होगा ये सारा तो देखो जब थीटा जीरो होगा तो टाउ क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा क्योंकि साइन जीरो 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 टॉर्क नहीं लगेगा तो क्या होगा जब टॉर्क नहीं लगेगा तो क्लीवरियम हो गया ना क्योंकि टॉर्क की वजह से घूमना होगा लेकिन जब टॉर्क लगी ही नहीं रहा है तो क्लीवरियम हो गया सिमिलरली देखो ये जीरो वन एटी पे भी होता है तो या दो ही हमारे पास कंडीशन या तो जीरो हो या तो 180 डिग्री हो अच्छा 90 सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू होगी देखो साइन 90 क्या होता है तो की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है ठीक है तो नोट करते चले जाओ ये सारी चीजें अगला आप देखो वर्क डन है वर्क डन कैसे निकालते हैं तो देखो आप सभी को मालूम होगा एक फॉर्मूला आप रोटेशन में पढ़े जैसे अगर हम न्यूटन में वर्क एनर्जी की बात करें अलेवेंथ में तो वहाँ वर्क डन का फॉर्मूला आता है एफ डॉट एक्स तो डी डब्ल्यू हो जाता है एफ डॉट डी एक्स लेकिन रोटेशन में फोर्स की जगह क्या है टॉर्क है और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो वहाँ फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इज इक्ल टू टाउ थीटा अगर छोटा थीटा है तो वर्क भी छोटा हो जाएगा तो हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा ठीक है और टाउ अभी हमने यहां से क्या निकाला थीटा पुट कर दो और इंटीग्रेट कर दो आपको मालूम होगा साइन का इंटीग्रेशन कॉस माइनस कॉस याद रखना साइन का इंटीग्रेशन माइनस यहाँ मैंने एक पॉइंट स्किप किया हुआ है माइनस कॉस थीटा तो ये आ जाना चाहिए था कॉस थीटा टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेकिन देखिए यहाँ कॉस थीटा वन है माइनस क्यों वो माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस थीटा टू माइनस हो जाएगा और कॉस थीटा वन प्लस हो जाएगा तो ये फॉर्मूला आ गया ना अब पोटेंशियल एनर्जी अगर आप देखो जैसे जीरो लेके चल रहे ले हो ये कब पॉसिबल है जब हमारा कॉस थीटा के वैल्यू जीरो थीटा वैल्यू जीरो कब होती है नाइनटी डिग्री पे होती है ठीक है तो ये नोट है यहाँ पे भी देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात है थीटा जीरो होगा तो यू माइनस पी एनर्जी है यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम बाई माइनस पी पे मेंटेन हो रहा है थीटा जीरो है तो यू जीरो थीटा नाइनटी है तो यू जीरो हो जा रहा है और थर्ड केस थीटा वन एटी है तो यू प्लस पी हो जा रहा है जिसे अनस्टेबल यानी पॉजिटिव यानी कि अनबैलेंस है यहाँ पर यानी जिसे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं ठीक है ठेके? तो हम ये हमारा आज का पार्ट कंप्लीट हो गया है अगला जो इसका पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड गॉस थ्योरम ठीक है इसके बाद एक और पार्ट है चार पार्ट में हम टोटल इलेक्ट्रिक को कंप्लीट कर रहे हैं तो हमने पहला स्लाइड फर्स्ट पार्ट का दिया था जिसमें हम चार्ज और फोर्स पढ़े थे आज जो हमने पढ़ा ये हमने पढ़ा है सारी चीज़ें जो रिलेट करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से टॉर्क से ठीक है और प्रॉपर्टी से डाइपोल से और वर्कडन से अब हमारा जो अगला पार्ट होगा जो मैं कल अपलोड कर दूंगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और गॉस थ्योरम और फोर्थ पार्ट कैपेसिटर का होगा ठीक है तो आप सब्सक्राइब मत करना मत भूलो चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो जैसे जैसे अपलोड होंगे वैसे वैसे आपको दोबारा सर्च नहीं करना पड़ेगा सीधा आप पे एक मैसेज आ जाएगा ठीक है तो अब जो बच्चे इस बार ट्वेल्थ दे रहे हैं वो तो जरूर से सब्सक्राइब करें क्योंकि बाकी बच्चों के पास तो टाइम है आपके पास सिर्फ और सिर्फ दस पंद्रह दिन और हैं अगर मैं इस दस पंद्रह दिन में ट्राई करूंगा पूरा ट्वेल्थ की थियोरी ठीक है एज अ नोट्स की तरह में अपलोड करने की तो इस बार गैप भी ज्यादा इस बार फाइव डेज का गैप है हमेशा फाइव डेज का गैप नहीं मिलता है ठीक है तो आप इसका यूटिलाइज़ कर सकते हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और जो भी आपके दोस्त हैं जो भी आपके कहीं से भी अगर कोई नोन है जो आपको लगता है कि वो बोर्ड में जा रहा है या वो आईआईटी की तैयारी कर रहा है या नीट की तैयारी कर रहा है इवन जो अभी टेंथ में बच्चे उन्हें भी आप फॉरवर्ड कर सकते हो और जो अलेवेंथ से ट्वेल्थ में आ रहा है वो भी इसे देख सकते हैं ठीक है क्योंकि इसमें डिटेल डिस्कशन हम कर रहे हैं एज अ टीचर हम इसे बहुत स्मूथली और स्लोली ले जाएंगे और हम प्रीवियस ईयर के डिस्कशन भी कर रहे हैं तो स्टे टून और सबको बोलो कि सब्सक्राइब करें ठीक है और अपडेटेड रहें थैंक यू हैव डे कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ